नमस्कारम। तो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स। स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स मैंने बता दिया स्टूडेंट आप लोगों को कि यही लिखे होते इनकम टैक्स एक्ट में लिखे होते, ठीक है ना। इनके रेट जो होते हैं वो आपको मिलेंगे इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स जो होते हैं वो फिनेंस एक्ट में लिखे होते हैं। ये रेट स्टैंडर्ड है, ये यूजुअली चेंज नहीं होते, तो उनके लिए स्पेशल सेक्शंस बनाए गए। अब सेक्शंस बनाए गए तो सेक्शंस याद भी रखने पड़ेंगे फिर आप लोगों को। तो यहाँ पे पहला सेक्शन जो है वो 111A है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन STT पेड 15%। ये शेयर मार्केट का सेक्शन है। सेक्शन 112 नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इंडिया में कोई भी नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाते हो आप, आपके पास अगर वो असेट आप 3 साल तक होल्ड करते हो और अगर आप वो बेचते हो तो यूजुअली हम उसको नॉर्मल कैपिटल गेन बोलते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं, जिसका स्टैंडर्ड रेट है 20%, ठीक है ना। शेयर मार्केट में अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है 1 लाख के ऊपर तो उसका रेट होता है 10%। इसके बारे में थोड़ी बातें मैं करता हूँ। कैजुअल इनकम का टैक्स का रेट है 115BB। कैजुअल इनकम मतलब लॉटरी विनिंग्स, गैम्बलिंग, रेसेस, अगर आप ऐसा कुछ करके अगर पैसा कमाते हो तो 30% फ्लैट, आपको कोई डिडक्शन कोई सेट ऑफ नहीं मिलता, डायरेक्टली आपके ऊपर 30% टैक्स रखता है। अगर आप अनडिस्क्लोज मनी के साथ पकड़े जाते हो डिपार्टमेंट के लिए, मतलब आपने चोरी करके रखी और आप डिपार्टमेंट ने भी आपको पकड़ लिया या आपने डिस्क्लोज सामने से किया है, आप अपने पाप धोना चाहते हो, तो गवर्नमेंट बोलता है ठीक है इसको एग्रीगेशन ऑफ इनकम बोलते हैं। और क्योंकि आप पापी हो तो आपके ऊपर नॉर्मल टैक्स नहीं लगना चाहिए, अभी आपके ऊपर 60% का टैक्स लगेगा और 25% का बाय डिफॉल्ट सरचार्ज भी लगता है और 4% का सेस लगता है, तो इफेक्टिवली 78% टैक्स लगता है। तो कल अगर आपके पास ब्लैक मनी है पकड़ लीजिए और आप अगर गवर्नमेंट को जाकर डिस्क्लोज करते हो कि सर जी ये रहा मेरा ब्लैक मनी, इसके ऊपर जो टैक्स लेना है ले लो, बचा हुआ मुझको दे दो, तो 78% मतलब 100 करोड़ में का 78 करोड़ तो एज अ टैक्स ही जाएगा और 78 करोड़ का 10% एज अ पेनाल्टी जाएगा और इंटरेस्ट लगेगा वो अलग, और आपको जेल भी हो सकती है 3 साल तक की, वो डिपेंडिंग करता है कि डिपेंड करता है कि आपने कौन सा क्राइम किया है, 3 से 7 साल की आपको जेल भी हो सकती है। चलो ठीक है, रॉयल्टी करके कुछ तो एक बात करेंगे हम लोग IFOS के चैप्टर में, अदर सोर्सेस के चैप्टर में, जहाँ पे गवर्नमेंट इनकरेज करता है इंडियन लोगों को पेटेंट बनाने के लिए, इनकरेजमेंट करता है इनोवेशन के लिए। अगर आप कुछ इनोवेशन करते हो, कुछ अच्छा करते हो और आप ओरिजिनल पेटेंट होल्डर हो इंडिया में, तो आप लोगों को 70 जो टैक्स का रेट है 75% का खर्चा वो रिसर्च का इंडिया में होना चाहिए, ऐसा कोई कंडीशन है, और उसका टैक्स का रेट जो है वो 10% है। इंटरमीडिएट में ये सेक्शन के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया जाता, फाइनल के एंगल से ज्यादा सेक्शन इंपॉर्टेंट है। फिर ये जो 3 टैक्स के रेट है इसके बारे में मैं बाद में बात करता हूं, पहले मुझे ऊपर के जो टैक्स के रेट्स है उनके बारे में प्लीज बात करने दो, ठीक है। अब मुझे बात करनी है हिस्ट्री की, हिस्ट्री में क्या होता था, ये इंडिया होता था और इंडिया का जब मार्केट ग्रो हो रहा था, आपने स्कैम 1992 देखा होगा, तो शेयर मार्केट वॉज अ बूम इन 1990s का जो पीरियड था उसमें, 1992, 1993, 1994, और बहुत सारे अमीर लोग उसमें पैसा लगाना चालू हो गए थे। FIIs ने इंडिया में पैसा लगाना चालू किया था क्योंकि 1991 के बाद वो एक स्कीम था LPG करके, आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में सुना होगा, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी ओपन किया गया था। तो होता क्या था, ये इंडिया का अगर शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट की थोड़ी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए क्योंकि आज के तारीख में शेयर मार्केट में ना एक आम पान वाला भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, तो आप लोगों को इसके टैक्सेशन का नॉलेज होना थोड़ा जरूरी है, तो थोड़ी बातें उसकी करके चल रहा हूं, जबकि इसकी ज्यादा बातें हमें करनी है कैपिटल गेन चैप्टर में, लेकिन जनरल नॉलेज के हिसाब से जितना पता होना चाहिए उतना मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो इंडियन शेयर मार्केट में, मैं पहले हिस्ट्री बता रहा हूं आप लोगों को, प्रेजेंट अलग है। इंडिया के लोग अगर इंडियन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो ऑब्वियसली शेयर मार्केट से जो भी उनको इनकम आएगा वो गवर्नमेंट ने टैक्सेबल रखा था, ठीक है। अब यूएसए से कोई इंडिया में इन्वेस्ट करता है और इंडिया से अगर कोई इनकम कमाता है मार्केट से तो वो टैक्सेबल है, ठीक है ना। कनाडा से कोई इन्वेस्ट करता है तो टैक्सेबल है, दुबई से अगर इंडिया में कोई इन्वेस्ट करता है तो टैक्सेबल है। एक कंट्री थी लेकिन मॉरिशियस से अगर आप इंडिया में इन्वेस्ट करते हो, मॉरिशियस से अगर आप इंडिया में इन्वेस्ट करते हो तो ये टैक्स फ्री हुआ करता था, तो इसको हम मॉरिशियस रूट बोलते थे। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दो कंट्री का अग्रीमेंट होता है कि आपके देश में कौन सा इनकम टैक्स होगा और कौन सा इनकम टैक्स नहीं होगा, उस अग्रीमेंट को बोला जाता है DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट, जो दो देश साइन करते हैं। और DTAA बिटवीन इंडिया मॉरिशियस ट्रीटी का इफेक्ट ऐसा है कि मॉरिशियस के लोगों को अगर इंडिया में कैपिटल गेन होगा तो वो इंडिया में टैक्स नहीं होगा, मॉरिशियस में टैक्स होगा, और मॉरिशियस गवर्नमेंट कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स नहीं लेती। मतलब क्या हो गया, एक लूपहोल क्रिएट हो गया जहां पे नाइदर इन इंडिया नॉर इन मॉरिशियस आपको दोनों देश में टैक्स नहीं लगेगा।
तो इसका एडवांटेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या सोच के ये ट्रीटी साइन किया होगा कि मॉरिशस का पॉपुलेशन मुंबई के पॉपुलेशन से भी कम है, मतलब हमारा एक कोई सिटी और उनका पूरा देश, क्योंकि एक आइलैंड है वो, वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं और वहाँ के कितने लोग इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, ऐसा सोच के उन्होंने शायद ये ट्रीटी साइन किया होगा। ये बहुत पहले की बात कर रहा हूँ मैं, 1992 की 1995 की उस पीरियड की बात कर रहा हूँ। ये जो पूरा मार्केट मूवमेंट था ये पी चिदम्बरम सर बहुत क्लोजली देख रहे थे, और पी चिदम्बरम करके आपने अगर कभी नाम सुना होगा तो मिस्टर पी चिदम्बरम इज वेरी फेमस फाइनेंस मिनिस्टर फॉर टेकिंग हार्श डिसीजन इन इंडियन टैक्सेशन। तो इन्होंने 2004 में एक बात उन्होंने निकाली कि यार ये गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि मॉरिशियस से हमारे देश में कुछ ज़्यादा ही इन्वेस्टमेंट आ रहा है, और उन्होंने जब स्टडी किया कि ये कैसा हो रहा है, तो उन्होंने पाया कि अगर यूएसए से किसी को इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो पहले वो कंपनी फ्लोट कर रहा है मॉरिशियस में, और मॉरिशियस से वो इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रहा है। कनाडा से किसी को अगर इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो पहले वो मॉरिशियस में जा रहा है और मॉरिशियस से इंडिया में आ रहा है। वैसे ही फॉरेन के बाकी सारे देश भी जिनको ये प्रोविजन पता है वो लोग मॉरिशियस में जाके मॉरिशियस रूट से इंडिया में आ रहे हैं। ये तो ठीक था, ये तो एक्सेप्टेबल था कि फॉरेन के लोग इंडिया को चुना लगाते ही है। आप बिलीव नहीं करोगे, इंडिया की भी कुछ रिच फैमिलीज होती है, ठीक है ना, उन रिच फैमिलीज ने भी मॉरिशियस में एंटिटीज फ्लोट की, और इंडिया में इंडिया का पैसा पहले इंडिया से मॉरिशियस में लेकर गए और मॉरिशियस से वो पैसा इंडिया में लेकर आए। ये सब कुछ ये लोग कर रहे थे खाली एक चीज करने के लिए, और वो था उनको टैक्स बचाना था। मॉरिशियस रूट यूज करके उनको टैक्स बचाना था, टैक्स की चोरी करनी थी, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर क्या किया 2004 में इन्होंने बताई दिया कि सुनो एक काम करते हैं ना, तुम लोग इतना मेहनत करके टैक्स वैसे भी भरने की तुम्हारी इच्छा तो नहीं लग रही है, एक काम कर देते हैं हम लोग, इसको टैक्स फ्री कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इंडिया में इनकम ही टैक्स फ्री कर देते हैं। तो उन्होंने दो सेक्शन लाए थे, 1034 जिसमें डिविडेंड पूरा एग्जम्प्ट हुआ करता था, डिविडेंड फुल्ली एग्जम्प्ट हुआ करता था, और एक सेक्शन लाया उन्होंने 1038 जिसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मतलब 12 महीने से ज़्यादा अपनी शेयर को होल्ड करके रखा है तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं, और इसको भी इन्होंने फुल्ली एग्जम्प्ट करके रख दिया। तो मार्केट से दो रिटर्न आते हैं वो उन्होंने पूरे एग्जम्प्ट कर दिए, डिविडेंड को पूरा एग्जम्प्ट कर दिया और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को एग्जम्प्ट कर दिया। ये पुराना लॉ मैं आपको बता रहा हूँ, ये लॉ आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं खाली हिस्ट्री बता रहा था कि ऐसा कुछ हिस्ट्री में हुआ है। अब ये करने से क्या हो गया, क्योंकि हमने डिविडेंड और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जम्प्ट किया है, अब यूएसए के लोग डायरेक्टली इंडिया में आएंगे तभी भी एग्जम्प्ट, अब मॉरिशस में जाना है नहीं आपको, कनाडा के लोग भी अगर इंडिया में आएंगे तभी भी एग्जाम, दुबई के लोग इंडिया में आएंगे एग्जाम, मॉरिशियस के तो पहले भी एग्जाम थे, और इंडिया के लोग इंडिया में लगाएंगे तभी भी एग्जाम, अभी उनको कम से कम मॉरिशियस में जाके इतना बड़ा राउंड मारने की जरूरत नहीं है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा किया, बट इट दिस अमेंडमेंट वॉज ब्रॉट बाय पी चिदम्बरम, और क्योंकि ये पी चिदम्बरम सर ने लाया था लोगों को पता था, वो लोग को हजम नहीं हुआ था कि ऐसे कैसे गवर्नमेंट एग्जम्प्ट कर सकता है, वो भी शेयर मार्केट, मुझे बताओ शेयर मार्केट में सोसाइटी का कौन सा क्लास पैसा लगाता है, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, हाई क्लास लगाता है, और अपना इनकम टैक्स का पहले से क्या लॉजिक चल रहा है कि हाई क्लास वालों को सबसे ज्यादा टैक्स लगाना है, तो डिविडेंड और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो अमीर लोग ही कमा रहे हैं, और अमीर लोगों को तुमने क्या कर दिया यहां पे अभी एग्जम कर दिया, ये डाइजेस्ट हो रहा है क्या तुम लोगों को, वो भी चिदम्बरम। देखो कोई और फाइनेंस मिनिस्टर होता तो एक बार शायद हम मान भी लेते कि वो बेचारा जेन्यून होगा, उसको गेम पता नहीं होगा, ही न्यू द गेम, ही न्यू व्हाट ही इज डूइंग, ही इज वेरी स्मार्ट। लेकिन उसने एक लॉ लाया इंडिया में, उसने बोला सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स करके छोटा सा आपको टैक्स देना पड़ेगा, और इसका रेट रखा इन्होंने 0.02% वगैरह, ऐसा एकदम बहुत कम रेट रखा। कैपिटल गेन का रेट कितना है 20%, कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का रेट कितना था तभी 20%, मतलब मार्केट से अगर आपने 1 करोड़ कमाया तो डायरेक्टली 20 लाख रुपए आपका टैक्सेबल। अब उन्होंने क्या बोला कि सिक्योरिटी ये तो एग्जम्प्ट है, ये अभी टैक्स नहीं भरना है आपको, पूरा एग्जम्प्ट, फुल्ली एग्जम्प्ट, लेकिन फुल्ली एग्जम्प्ट का कंडीशन रखा कि आपको एसटीटी भरना पड़ेगा। क्या भरना पड़ेगा, एसटीटी। एसटीटी क्या होता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है। एसटीटी क्या होता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स हम कब भरते हैं, जब भी आप शेयर मार्केट में जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज बोला जाता है इंडिया का, तो आपके इंडिया में रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज जो आपको सबको पता होगा वो BSE है और NSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो जो आपका रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है, अगर आपने उसमें बाय और सेल का ट्रांजैक्शन किया तो आपको STT भरना पड़ता है। रेट ऑफ STT इज वेरी लो, बहुत कम होता है, 0.02 0.01 रेट बहुत कम होता है। लेकिन अगर ये टैक्स अगर आप भरोगे तो आपका कैपिटल गेन उन्होंने क्या करके रखा था,
एग्जेम्प्ट, ठीक है ना। तो आपको मैं उसका गेम बता देता हूं, आप बिलीव नहीं करोगे क्या ब्रिलियंट बंदा था, ठीक है ना। आई जस्ट लव हिम फॉर दिस, ठीक है ना। अगर ये कोई बंदा है जो मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा है वो खुश है, ये खुश क्यों है अभी, क्योंकि इसको टैक्स एग्जम्प्ट हो रहा है ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1038 में एग्जम्प्ट हो रहा है, बहुत खुश है, खुशी खुशी लोग मार्केट में और पैसा लगा रहे, और पैसा लगा रहे, क्योंकि आप ज्वेलरी में इन्वेस्ट करो, ज्वेलरी सेल करो, टैक्स लगेगा। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, प्रॉपर्टी सेल करो, टैक्स लगेगा। आप मार्केट में पैसे लगाओ, मार्केट से कैपिटल गेन कमाओ, आपको टैक्स नहीं लगेगा। और क्या चाहिए आपको, और आप अमीर हो पहले से ही, आप समझ रहे हो क्या। तो ये बंदा बहुत खुश हो गया, लेकिन चिदंबरम को पता था उसने क्या करके रखा है। चिदंबरम ने पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो टैक्स होता था शेयर मार्केट का, तभी क्या होता था वो देखो, और अभी एसटीटी जब से आया तभी क्या हो रहा है वो देखो। पहला कैपिटल गेन टैक्स होता था, क्या होता था पहले, कैपिटल गेन टैक्स होता था, अब ट्रांजैक्शन वैल्यू टैक्स हो रहा है। नहीं समझा तुम लोगों को, गेन 1 करोड़ का गेन होने के लिए कभी कभी 100 करोड़ का ट्रांजैक्शन करना पड़ता है। पहले 1 करोड़ के ऊपर 20% था तो बेस कम था ना, रेट ज्यादा था। अब 100 करोड़ के ऊपर 20% 0.02 जो भी रेट होगा वो 100 करोड़ के ऊपर लगा, मतलब बेस सडनली बढ़ गया ना। 1 लाख रुपए का गेन कमाने के लिए लोगों को 1 करोड़ का डीलिंग करना पड़ता है। लाख रुपया कमाना मार्केट में इतना भी आसान नहीं है, आपका इन्वेस्टमेंट उतना बड़ा होना चाहिए। तो आप समझो कि पहले जो लोअर वैल्यू पे गेन तो नेट वैल्यू हो रहा था ना, नीचे वाला वैल्यू, अभी हम लोग टॉप वाला वैल्यू फर्स्ट वैल्यू पे टैक्स लगा रहे हैं। उसका नाम हमने बदल दिया, कौन सा, एसटीटी, ठीक है ना। दूसरा गेम सुनो, तुमको लगता रहेगा इतना ही क्या, नहीं नहीं सुनो, आगे जाके सुनो। मार्केट में 95% लोगों को तो लॉसेस होते हैं, उनको गेन थोड़ी ना क्या होता है, गेन तो खाली 5% लोगों को होता है। मतलब मार्केट में जितने भी पार्टिसिपेंट होते थे पहले, जितने भी लोग आज मार्केट में इंटर करेंगे उसमें के खाली 5% लोग आज टैक्स देंगे, क्योंकि उतने ही लोग गेन लेके घर पे जाएंगे, पकड़ लो ऑन एन एवरेज 95% लोग तो लॉस लेके जाएंगे ना घर पे, आप समझ रहे हो ना। लेकिन ट्रांजैक्शन तो 100% लोगों ने किया ना, और ये जो एसटीटी है वो गेन के ऊपर नहीं है, वो ट्रांजैक्शन के ऊपर है, तो ये 100% लोग टैक्स भरेंगे। ये तो कुछ भी नहीं है, तो छोड़ दो। गेन किसको होता है, गेन किसको होता है, ट्रांसफरर को होता है कि ट्रांसफररी को होता है, मतलब सेलर को होता है कि बायर को होता है। बायर को गेन होता है, हरामखोर लोग, सेलर को होगा ना, अब जो बेचेगा उसको गेन होगा ना। तो पहले ट्रांसफरर टैक्स भरता था, कौन भरता था टैक्स, ट्रांसफरर टैक्स भरता था, क्योंकि खाली सेलर को गेन हो सकता है ना। मैंने 10,000 की चीज 12,000 में बेची तो मुझको 2,000 का गेन हुआ, ओके अब समझ रहे हो क्या। ट्रांजैक्शन कितने लोगों ने किया लेकिन मार्केट में, दो लोगों ने किया, मतलब ट्रांसफरर ने भी ट्रांजैक्शन किया सेल का, और ट्रांसफररी ने भी ट्रांजैक्शन किया बाय का। यहां पे बायर भी टैक्स भरता है और सेलर भी टैक्स करता है, दोनों से टैक्स लेता है वो। चिदंबरम इज नॉट ए इजी गेम, चिदंबरम इज अ ब्रिलियंट फाइनेंस मिनिस्टर। ये तो कुछ भी नहीं, मार्केट में जो पहले लॉसेस होते थे उसका सेटअप मिला करता था, ठीक है ना। इसका पहले सेटअप मिलता था, क्योंकि लॉस करोगे तो सेटअप मिलेगा, प्रॉफिट करोगे तो टैक्स लगेगा, ठीक है ना। क्योंकि यहां पे गेन एग्जम्प्ट हो गया है 1038 में, आपका लॉस इग्नोर किया जाएगा, क्योंकि फायदा होगा तो टैक्स नहीं लगेगा ना, तो लॉस होगा तो सेटअप क्यों देंगे, सेटअप भी आपको नहीं देंगे। क्या गेम खेला है बंदे ने, आप बिलीव नहीं करोगे। पूरे शेयर मार्केट को ये समझते समझते 10-12 साल लग गए कि उसने दिखाया कुछ और मारा किधर और ना। वो गेम नहीं होता क्या तुम्हारा, तुम ऐसा एक्टिंग करते हो, ऐसे पाउडर 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 इधर से मारने का एक्शन करते हो, लेकिन इस हाथ से मारते हो। तो ये भी बोल रहा है एग्जम्प्ट 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 ले टैक्स ले एग्जम्प्ट 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 एसटीटी, ठीक है ना। तो ये गेम उसने खेल लिया, लोगों को एग्जम्प्शन दिखा के उसने टैक्स ले लिया। आप बोलोगे सर वो मॉरिशियस वाले लोग वो मॉरिशियस रूट से आएंगे तो वो तो अभी भी होगा ना। इंडिया ने बोला था कि कैपिटल गेन टैक्स से आपको मुक्ति है, कौन से टैक्स से मुक्ति है, एसटीटी तो नया टैक्स है ना, उससे अभी तक हमने अग्रीमेंट थोड़ी ना क्या साइन किया है। तो तू मॉरिशियस से भी अगर आएगा तभी भी एसटीटी तो लगेगा ही लगेगा, तो मॉरिशियस वाला रूट भी हमने इनडायरेक्टली बंद कर दिया, ठीक है ना। इतना सब हुआ है बीजेपी गवर्नमेंट आने से पहले। अब बीजेपी गवर्नमेंट आ गई 2014 में, फाइनेंस मिनिस्टर बन गए अरुण जेटली सर। अरुण जेटली सर और मोदी अंकल जाने लगे फॉरेन कंट्रीज में, बहुत टूर करने लगे थे। आपको पता होगा अगर 2014 के बाद बदनाम हो गए थे मोदी अंकल की, घूमते ही रहते। जब जब वो फॉरेन कंट्री में जाते थे तो लोगों ने कंप्लेन करना चालू किया, ये कौन सा गेम खेलते हो भैया तुम, कुछ और दिखाते हो कुछ और लेते हो, एग्जम्पशन बोल के टैक्स लगा देते हो।
और तुम चाहते हो कि हम आपकी इंडिया को प्रोग्रेस करने के लिए हेल्प करें. दिस इज हाउ यू ट्रीट यूर गेस्ट, दिस इज हाउ यू ट्रीट यूर नॉन रेसिडेंट, दिस इज हाउ यू ट्रीट यूर FIR, इज इट अ वे शोइंग समथिंग एल्स, प्लेइंग समथिंग एल्स. एग्जम्प्ट रखना है तो एग्जम्प्ट रखो, टैक्स रखना है तो टैक्स रखो. ये क्या एग्जम्प्ट बोलते हो और टैक्स करते हो, ये कौन सी बात हो गई? तो यू हैव टू प्ले फेयर गेम विथ अस. नहीं तो ये बातें खाली आपकी जो पॉलिटिकल मीटिंग्स वगैरह है ना, दैट डजंट मीन एनीथिंग. तो अरुण जेटली सर ने घर पे आके स्टडी किया अच्छे से, 2014 में स्टडी किया, 2015 में स्टडी किया, 2016 में स्टडी किया, 2017 में स्टडी किया, 2018 हिज लास्ट बजट बिफोर हिज डेथ. उन्होंने एक सेक्शन लाया इंडिया में और बोला 112A, नया सेक्शन लाया 112A. और इस सेक्शन में उन्होंने बोला इनफ ऑफ दिस शिट, मुझको शेयर मार्केट को एग्जम्प्ट नहीं रखना है. शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे लोग करोड़ों रुपया कमा रहे हैं. जो लूज कर रहे हैं उनको करने दो, लेकिन जो कमा रहे हैं उनका तो देखो. पीपल आर एक्चुअली मेकिंग लैक्स ऑफ करोड़ एंड समवेयर ही सेड 56 लाख करोड़. अब तक मार्केट ने 56 लाख करोड़ कमाया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 56 लाख करोड़ कमाया गया है मार्केट से और उसके ऊपर टैक्स नहीं भरा गया है क्योंकि एग्जम्प्ट करके रखा था. तो इन्होंने बोला अभी शेयर मार्केट का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा 10% पे होगा, लेकिन कितने पे होगा? 10% पे होगा. टैक्सेबल होगा लेकिन कितने पे होगा? 10% पे होगा. जैसे इन्होंने बोला 10% पे होगा, मेरी तो जल गई यार. मैं भी इन्वेस्टर था तभी 2018 में शेयर मार्केट में, मैं भी था और मैं भी कुछ शेयर्स बेचने वाला था. मेरे को 3-4 हज़ार का गेन होने वाला था, 3-4 हज़ार का अभी 10% टैक्स लेने वाले थे, 300 रुपया, मेरी तो जल गई. इन्होंने बोला ये गरीब लोगों के लिए नहीं लाया है. 10% ऐसा नहीं है 10%, 10% है एक्सीडिंग रुपीज 1 लाख. एक्सीडिंग रुपीज मतलब क्या होता है इसका, कि अगर आपको 70 हज़ार का गेन हो गया इस साल में तो आपको टैक्स नहीं भरना है. 80 हज़ार का गेन हो गया तभी भी टैक्स नहीं भरना है. लेकिन 1,30,000 का अगर गेन हुआ तो 1 लाख पे नहीं भरना है, बचा कितना? 30,000 पे, उसके ऊपर कितना भरना है? 10% भरना है. नॉट ओनली दैट, एक ग्रैंड फादरिंग क्लॉज करके है कुछ तो, कि जो मार्केट वैल्यू 31 जनवरी 2018 तक का कुछ ना कुछ वो बेनिफिट देती है मार्केट वैल्यू का, वो आपको नहीं समझेगा अभी बिकॉज दैट विल बी टू अर्ली फॉर डिस्कशन. लेकिन कुछ और बेनिफिट दिया है जिन्होंने मार्केट में इसके पहले इन्वेस्ट किया था, ये बजट आने से पहले. ये बजट फर्स्ट फेब 2018 को आया था. ये जो बात हो रही है, ये बात हो रही है फर्स्ट फेब 2018 को. इन्होंने बोला जो कल तक का गेन हुआ है आपको नोशनल गेन, उसके ऊपर हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे. इसके आगे जो होगा उससे हम आपके ऊपर टैक्स लेंगे. तो वैसा कुछ तो उन्होंने वहां पे बेनिफिट भी दिया, लेकिन उन्होंने टैक्स किया. तो अभी मार्केट टैक्सेबल है कि एग्जम्प्ट है? मार्केट में अगर आप 1 लाख के ऊपर कमाते हो तो 10% के रेट से टैक्स होगा. नॉर्मल जमीन बेची तो कितने पे टैक्स होगा? घर बेचा तो कितने पे टैक्स होगा? 20% पे. 112 में क्या रेट चालू है? 112 में क्या रेट चालू है? 20%. तो इंडिया का नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रेट कितना है? 20%. और शेयर मार्केट में रेट कितना है? अरे तुम्हारे बाप ने अगर घर बेचा कल तो तुमको 20% टैक्स लगने वाला है, और वहां पे लोग करोड़ रुपया कमा रहे मार्केट में, उससे 10% ले रहे टैक्स. आपको बुरा नहीं लगना चाहिए? अरे आपको बुरा तो लगना चाहिए ना, कि आम लोगों के ऊपर आपने 20% लगा के रखा है, मार्केट वालों के ऊपर आपने. लॉजिक क्या है पता है मार्केट वालों को 10 क्यों रखा हुआ है? क्योंकि मार्केट वाले अभी भी और एक टैक्स भर रहे हैं ना, जो तुम्हारी लैंड और बिल्डिंग के ऊपर नहीं लग रही है ना, तो STT भरा ना उन्होंने, तो लोग दो टैक्स भर रहे. आप समझ रहे हो क्या? STT भी भर रहे हैं और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी देने वाले, तो दो टैक्स भर रहे हैं. तो बेचारे लोगों को कंसेशन तो देना चाहिए ना. हेलो, दो टैक्स भर रहे तो कंसेशन तो देना चाहिए. तो ये कंसेशनल रेट है, 10% इज अ कंसेशनल रेट बिकॉज दे आर ऑलरेडी पेइंग व्हाट? STT, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स. लॉन्ग टर्म होगा तो 10%, शॉर्ट टर्म होगा तो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा मार्केट में तो एक साल के अंदर अगर आपने बेचा होगा तो, पीरियड ऑफ होल्डिंग लेस देन 12 मंथ अगर होगा तो, आपका मार्केट में अगर आपने 12 महीने के अंदर अगर शेयर बेचा होगा तो रेट जो होता है वो 15% होता है. और यहाँ पे 1 लाख रुपए का वगैरह कोई कंसेशन नहीं है. 15% भी जो है वो भी मैं कंसेशनल रेट ही आपको बताऊंगा, क्योंकि नॉर्मली इंडिया में 30% के आसपास इनकम टैक्स होता है ऑन एन एवरेज इंडिविजुअल्स का. 10 लाख के बाद टैक्स का रेट क्या है? 30% है ना, और जो मार्केट में कमा रहा है उसका इनकम 10 लाख के ऊपर तो होगा ही. अब अज्यूम करो ना, गरीब लोग तो मार्केट में खेल नहीं रहे, अमीर लोग ही खेल रहे हैं.
तो उनका इनकम तो 10 लाख के ऊपर होगा, तो वो 30% पे टैक्स होने वाला था यूजुअली, लेकिन वो 30% पे टैक्स नहीं होके कितने पे टैक्स होता है, 15 पे टैक्स होता है। क्यों 15 पे सर? इनको क्यों कम रेट? क्योंकि उन्होंने क्या भरा है, एसटीटी भरा है। मैंने क्या बोला समझा आपको? पक्का कोई डाउट नहीं? ये रेट याद रख लोगे? मुझे आपको खाली 3 रेट याद कराने हैं। नॉर्मल कैपिटल गेन का रेट कितना होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का रेट कितना होता है, 20%। 111A, ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है मार्केट में एसटीटी वाला, ठीक है ना, शेयर मार्केट वाला, उसका रेट कितना, 15 फ्लैट। 112A, ये जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, मतलब 12 महीने के बाद बेचा है आपने, एसटीटी भरा है आपने, मार्केट में बेचा है, इसका रेट कितना है, 10% बट एक्सीडिंग 1 लाख लिखना जरूरी है, क्योंकि 1 लाख तक तो आपको टैक्स नहीं भरना पड़ता, 1 लाख तक तो ये एग्जम्प्ट हो जाता है। मैंने क्या बोला, क्लियर है? पक्का? ये 3 रेट आप याद रख लोगे। उसके अलावा और एक रेट याद रख लो, 115 डबल बी, इसमें कितना रेट है, 30%। और इसमें क्या है, कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम मतलब वो ड्रीम इलेवन, जुआ, 3 पत्ती, कसिनो, रेस कोर्स, हाँ, ये जुआड़ी लोग जो कमाते हैं उसके ऊपर कितना है, 30% है, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ कुछ रेट्स आपको याद रखने पड़ेंगे सेक्शंस के साथ। बात इंपॉर्टेंट क्या है, सेक्शंस के साथ आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो ये यहां पे बातें हो गई। अब जब ये सब चालू था तो मुझे बताओ, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट का डेवलपमेंट हो रहा है क्या? आपके गांव में, गांव खेड़े में कोई नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आई है क्या, बहुत बड़ी नहीं आई है। इंडिया में ग्रोथ कौन से सेक्टर का हो रहा है? एग्रीकल्चर अपने हिसाब से बढ़ रहा है और सर्विस सेक्टर अपने हिसाब से ज्यादा बढ़ रहा है। आपकी इकोनॉमी 3 सेक्टर में डिवाइड होती है, थोड़ा तो इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा आप लोगों ने लाइफ में, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी सेक्टर। तो हमारा बेस जो है इंडिया का, प्राइमरी सेक्टर जो है वो एग्रीकल्चर है, क्योंकि मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो बेस किसके ऊपर है, एग्रीकल्चर के ऊपर है। सर्विस इंडस्ट्री में आप लोग भी सी ए, सी एम ए, सी एस बन के आप क्या चाहते हो, कौन से इंडस्ट्री में आना चाहते हो, सर्विस इंडस्ट्री में। एजुकेशन कौन सी इंडस्ट्री है, सर्विस इंडस्ट्री है। ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब क्या है, सर्विस इंडस्ट्री। ये सब ग्रो हो रही है हमारे यहाँ पे, टेलीकॉम वगैरह सब ग्रो हो रहा है। प्रॉब्लम क्या है, सर्विस सेक्टर जो है ना डिपेंडेंट सेक्टर होता है। सर्विस सेक्टर क्या होता है आप समझो ना, डिपेंडेंट सेक्टर होता है। सर्विस सेक्टर अपने आप नहीं बढ़ सकता। आप वो झाड़, झाड़ बोले तो पेड़, पेड़ और जो वेल होता है उसका रिलेशनशिप समझते हो ना, जो क्रीपर्स होते हैं वो कभी बढ़ेंगे, जब पेड़ ऊपर जाएगा तभी। अगर पेड़ की ग्रोथ नहीं होगी तो सर्विस सेक्टर की ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि ये क्रीपर है। और जो फाउंडेशन होता है किसी भी कंट्री का, किसी भी कंट्री का जो बेस होता है वो क्या होता है, हमेशा उसकी ट्री होती है, उसका मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट होता है। आपको वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री पता है? वर्ल्ड वॉर सुना तो होगा, ऐसा कुछ हुआ था, हाँ, WW1, WW2, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2। उसमें मेजर कंट्री की, मेजर कंट्रीज कौन से थे, मेजर पार्टिसिपेंट कौन थे जब वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो सबसे बड़े बड़े कंट्रीज जो कौन से थे, जो प्लेयर थे वर्ल्ड वॉर में, हाँ, रशिया था, जर्मनी था, अमेरिका था, यूएसए था, जापान था, बराबर ना, ये सब बड़े बड़े कंट्रीज थे ना, ये सब पार्टिसिपेंट थे। आज के तारीख में सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन सी है, अमेरिका है, जापान है, रशिया है, जर्मनी है, फ्रांस है, चाइना है, ठीक है ना। तो यही लोग तो है, स्ट्रांग भी यही लोग है ना। तो 1930s के आसपास वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, 1940s के आसपास वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, ठीक है ना, पीरियड इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब 60-70 साल पहले वर्ल्ड वॉर हुआ था। एंड दिस कंट्रीज वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, अगर आपने कोई भी मूवी देखी होगी वर्ल्ड वॉर के बेसिस की, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय। जापान तो एटॉमिक बॉम्ब डाला गया उसके ऊपर, और 60-70 साल में दे बिकेम स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, पूरा डिस्ट्रॉय होने के बाद। और इंडिया क्या कर रहा था उस पीरियड में, 1947 के पहले अंग्रेजों के साथ लड़ रहे थे हम लोग, 1947 के बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हम लोग उसी में बिजी रह गए। और इकोनॉमी में बाकी लोगों ने क्या कर लिया, मैन्युफैक्चरिंग एस्टैब्लिश कर लिया। तो आपके घर में या ऑफिस में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है सारे इंपोर्टेड है। मैं अभी जितने लेक्चर्स लेने के, जितने भी प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं यहां पे, कैमरा, माइक, लैपटॉप, लाइट्स, सब इंपोर्टेड है। आप बड़ी बड़ी गाड़ियों के ब्रांड बोलो,
BMW, Mercedes, Honda, Hyundai, Suzuki, ये सारी फॉरेन कंपनीज है। तेरे घर पे तो कोलगेट भी जो यूज करता है वो भी फॉरेन कंपनी है। तो सोप जो यूज करता है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर का करता है, यूनिलीवर यूके की कंपनी है। आप जो ब्रांडेड कपड़े पहनते हो, लिवाइज वगैरह जो भी है, या स्पोर्ट आइटम जो है, पूमा या एडिडस या नाइकी, ये सब कुछ फॉरेन कंपनी। तो कोल्ड ड्रिंक पीता है तो पेप्सी कोका या कोको कोला का पीता है, वो भी फॉरेन कंपनी है। तो मैगी खाता है वो नेस्ले का है, कॉफी पीता है वो नेस्ले का है, वो भी फॉरेन कंपनी है। मतलब घर के हर एक प्रोडक्ट में फॉरेन कंपनी पहुंच गई और इंडियन वाले रह गए हिंदू मुस्लिम बीजेपी कांग्रेस यही लड़ते हुए। और तुमको फिर डेवलपमेंट कैसे दिखेगा ना? डेवलपमेंट तो दिखना है ही नहीं, तुम तो अपने अपने में बिजी हो। ठीक है, वहाँ के लोगों ने कमिटमेंट लिया है कि हमको देश बदलना है और पूरे देश के लोगों ने साथ में आके देश बदला हुआ है। गवर्नमेंट ने नहीं बदला देश, उधर के लोगों ने देश बदली की है। सॉफ्टवेयर कंपनीज कहाँ की है? एंड्रॉयड, माइक्रोसॉफ्ट, iOS, ये कहाँ की है? बिना सॉफ्टवेयर का तो आज कुछ नहीं हो रहा है ना। हर एक के मोबाइल में सॉफ्टवेयर है, हर एक के कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है, वो बाहर की है। उबर अमेजॉन कहाँ का है? वो भी बाहर की है। मैं नहीं बता रहा कि इंडियन नहीं है, इंडियन अभी है उसमें। आई एम नॉट सेइंग हम नहीं है, मैं बता रहा हूं हम है। तभी तो हम सिक्स लार्जेस्ट इकोनॉमी हम है ना। ये पांच होने के बाद सिक्स्थ जो आता है वो इंडिया आता है। वी आर नॉट जीरो। प्रॉब्लम इज दैट हम इनसे बहुत स्ट्रांग हो सकते थे बिकॉज वी हैड द असेट कॉल्ड पॉपुलेशन। हमारे पॉपुलेशन को हमेशा मिसगाइड किया गया है, हमेशा गलत रास्ते पर चलाया गया है। डिवाइड एंड रूल अभी तक चलता है। पहले देश देश में बांट देते हैं, देश में फिर राज्य में बांट देते हैं, राज्य फिर वो रीजन्स में बांट देते हैं, रीजन्स फिर तालुका में बांट देते हैं, जिला में बांट देते हैं, तालुका के अंदर गांव गांव में बांट देते हैं, गांव के अंदर जात जात में बांट देते हैं, घर के अंदर भाई भाई में बंटवारा कर देते हैं। वी ऑलवेज लिव इन डिवाइडेड सोसाइटी, वी आर नॉट यूनाइटेड सोसाइटी। एक साथ में आके कुछ करने का किसी के अंदर इच्छा नहीं है अभी, बिकॉज साथ में रहना ही नहीं है किसी को, सबको अपना अपना करना है। और ये पॉलिसी बहुत स्ट्रैटेजिकली हम लोगों के माइंड में इम्प्लांट की गई है बाय दिस फॉरेन कंपनीज, फॉरेन गवर्नमेंट्स, फॉरेन रूलिंग्स जो हमारे ऊपर लास्ट 200-300 सालों में हुई, ये उसके थ्रू आया हुआ है। और फिर अगर इंडिया का एग्रीकल्चर सेगमेंट ग्रो होगा तो हमारी डेवलपमेंट नहीं होगी। और सर्विस सेक्टर जो ग्रो हो रहा है अनलिमिटेड, ये डिपेंडेंट सेक्टर है और डिपेंडेंट सेक्टर को कभी भी गिराया जा सकता। आप CA CMA बनोगे, आपके पास जॉब नहीं रहेगी, आपके पास क्लाइंट नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आप तो रेडी हो काम करने के लिए, लेकिन इंडस्ट्री में उतनी कंपनीज नहीं आ रही है। आपने बैंक चालू किया लेकिन लोन लेने के लिए इंडस्ट्री नहीं है। आपने ट्रांसपोर्ट कंपनी चालू की लेकिन गुड्स सप्लाई होने के लिए गुड्स नहीं है। तो क्या ग्रो होना जरूरी है? कौन सी इंडस्ट्री ग्रो होना जरूरी है? मैन्युफैक्चरिंग ग्रो होना जरूरी है। मैन्युफैक्चरिंग ग्रो होगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इकोनॉमी में? ऐसा क्या फर्क पड़ेगा कि अगर हम कोलगेट, हमारा कोलगेट हम बनाए, हमारा टूथपेस्ट हम बनाएंगे, टूथब्रश हम बनाएंगे, हम जो कोम भी यूज करते हैं वो भी साला इंपोर्टेड है। दिवाली में तुम फटाके फोड़ते हो वो भी इंपोर्टेड होते हैं, ये बलून तुमने फुगाए वो भी इंपोर्टेड है। मतलब कहां तक पहुंच गया? तुम्हारा जो 2 रुपए का पेन तुम लोग लिख रहे हो वो भी इंपोर्टेड पेन है। मतलब हम किस हद तक इंपोर्टेड चीजें यूज कर रहे हैं? और अगर हमने इंडिया में ऑल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट को अगर ग्रो नहीं किया तो वी आर गोइंग टू लूज, बाकी लोग हमसे सरपास कर लेंगे। इंडोनेशिया आगे चले जाएगा, चाइना ऑलरेडी आगे है। तो अगर आपको इफ यू आर विलिंग टू बिकम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी इन कमिंग 10 to 15 years, आपको एक ही सेगमेंट के ऊपर काम करना है और वो कौन सा है? मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा इंडिया में तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों का लाइफस्टाइल चेंज होगा, तो उनके पास हाथ में पैसा आएगा, उनके हाथ में पैसा आएगा तो वो और प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे, और प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे तो और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जाएंगी, और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जाएंगी तो और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। आप समझ रहे हो क्या? तो फार्मर का जो रॉ मटेरियल है वो इंडिया में कंज्यूम होना चालू होगा। क्यों? क्योंकि वो रॉ मटेरियल वो बनाएगा। जैसे रबर की फैक्ट्री आई तो केरला के जो लोग रबर की ट्री कट करके अभी वहां पर कुछ और कर रहे हैं, वो लोग रबर के प्लांट्स लगाएंगे क्योंकि रबर की वैल्यू बनी रहेगी। आप समझ रहे हो ना? कॉटन की फैक्ट्री हमारी इंडिया में लगेंगी, टेक्सटाइल हमारी इंडिया का बिकेगा, हम इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स नहीं यूज करेंगे। फिर हम इंपोर्टेड शर्ट्स क्यों पहनेंगे अगर इंडिया की कंपनी ने बेस्ट शर्ट्स बनाना चालू किया तो? आप समझ रहे हो ना? तो इंडिया में प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एग्रीकल्चर ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, और अभी फार्म से लेके फैक्ट्री तक लाने के लिए ट्रांसपोर्ट लगेगा,
तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर बढ़ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा तो इंश्योरेंस सेक्टर बढ़ेगा, और ये सारे सेक्टर बढ़ेंगे तो बैंकिंग सेक्टर बढ़ जाएगा, बैंकिंग सेक्टर ये सब अगर बढ़ेगा तो सीएस हम लोगों को जॉब मिलना चालू हो जाएगा, मतलब कंपनीज बढ़ जाएगी, मतलब सर्विस सेक्टर ऑटोमेटिकली ग्रो होता है, अभी भी ग्रो हो रहा है, लेकिन हम लोग ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज फॉरेन कंपनीज को दे रहे हैं, इंडियन कंपनीज को नहीं देते। तो हम चाहते कि इंडिया में कंपनीज आए। तो 2014 से जो करंट गवर्नमेंट है उसने बहुत सारे पॉलिसीज बनाए कि इंडिया के लोगों की मेंटालिटी चेंज हो, एंड आई एम जस्ट स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ देम, क्योंकि आप लोगों को नहीं बताऊंगा तो किसको बताऊंगा, ठीक है ना। तो उन्होंने बनाया मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग अलग पॉलिसीज बनाए, उन्होंने बनाया मेक इन इंडिया, ये सुना है आप लोगों ने, मेक इन इंडिया का सिंबल वो लायन है, उसके अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट लैपटॉप लेके नहीं बैठा है, मतलब उसके अंदर एक भी ऐसा पार्ट नहीं है जो सर्विस सेक्टर को डिनोट करता है, मेक इन इंडिया का जो लायन है उसमें सारे टूल्स है, नटबोल्ट है, मतलब वो किसको डिनोट कर रहा है, फार्मर को भी डिनोट नहीं कर रहा है, वो कौन से सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डिनोट करता है, ठीक है ना। फिर उन्होंने बोला मेक इन इंडिया तो ठीक है, लेकिन हम लोग जैसे आउटडेटेड वे में मैन्युफैक्चरिंग करते थे लेबर यूज कर करके, वैसा नहीं करना है, हमें टेक्नोलॉजीज लगा के, सॉफ्टवेयर लगा के, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा के मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक नया सिस्टम लाया, डिजिटल इंडिया। सर हम अभी इनफ इज इनफ, हम अभी रिलायंस से, टाटा से, बिरला से कितना एक्सपेक्ट करोगे यार, क्या ले लोगे उनसे तुम। हम चाहते अभी आज का यूथ किसी की गुलामी ना करे, किसी का जॉब ना करे, आज का यूथ अपना करियर अपने हाथ में ले और अपना बिजनेस खुद करना चाहे, इसलिए उन्होंने स्टैंड अप इंडिया करके सिस्टम निकाला जो यूथ के लिए एप्लीकेबल है, मुद्रा फाइनेंस निकाला जो यूथ को कैपिटल देता है, और क्योंकि उनको और बड़ा फाइनेंस मिलना चाहिए तो उन्होंने स्टार्टअप इंडिया करके भी कॉन्सेप्ट निकाला है, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, मुद्रा फाइनेंस, GST, बैंकिंग, डिजिटल मनी कितना आसान हो गया अभी आज के तारीख में, मतलब बनाना वेंडर भी आज क्या कर रहा है, गूगल पे से पैसे ले रहा है, अभी हम लोगों ने पोहा खाया, चाय पी, हम लोगों ने डिजिटल पेमेंट किया, तो पहले जितना बैंकिंग अभी डिफिकल्ट नहीं है, बैंकिंग हैज बिकम वेरी इजी, गांव गांव में बैंकिंग पहुंच गया अभी। इससे क्या होता है, फंड मोबिलाइज होता है, फंड मोबिलाइज होने से क्या होता है, इंडस्ट्री को लोन मिलता है, इंडस्ट्री को लोन मिलेगा तो इंडस्ट्री ग्रो होगी, इंडस्ट्री ग्रो होगी तो सब कुछ ऑटोमेटिकली ग्रो होगा। तो दिस स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी टुडे आर नॉट स्ट्रॉन्गेस्ट बिकॉज ऑफ देयर एग्रीकल्चर, स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी आर नॉट स्ट्रॉन्गेस्ट बिकॉज ऑफ देयर सर्विस सेक्टर, स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी आर कॉल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी बिकॉज ऑफ देयर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एंड इंडिया लेफ्ट बिहाइंड बिकॉज ऑफ महात्मा गांधी, ही गेव द स्लोगन स्वदेशी, विदेशी कंपनी को इंडिया में नहीं लाने का, ही वॉज राइट, आई एम नॉट सेइंग ही वॉज रॉन्ग, लेकिन आपको अगर हिस्ट्री पता होगा तो ब्रिटिशर्स इंडिया में बिजनेस करने आए थे थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड देन रूल्ड, दे रूल्ड अस फॉर ओवर 150 ईयर्स। तो उसने क्या बोला, गांधी जी ने क्या बोला कि स्वदेशी, अब हमारा टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, फॉरेन की टेक्नोलॉजी को इंडिया में आने नहीं देंगे, और फिर वो लोग हमसे आगे निकल गए, हमको पता भी नहीं कि वो आगे निकल गए, हम लोग इधर मारामारी करते रह गए। अगर अब तभी हमारा इंडिया ओपन होता इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए तो हमें पता चलता कि फॉरेन में कौन सा गुड्स बन रहा है। इंडिया में कंप्यूटर आया है 2000 में, 1998-1997 में कंप्यूटर आया इंडिया में, हाउ सैड इट इज, हमें पता ही नहीं था कंप्यूटर जैसा कुछ एग्जिस्ट करता है। टेलीफोन हमारे पास कब आया, मोबाइल हमारे पास कब आया, बहुत लेट आया हमारे पास टेक्नोलॉजी। एयरक्राफ्ट हमारे कब आए, हमारे पास कब आए, बहुत लेट आए हैं। इट्स नॉट दैट इट स्टार्टेड फ्रॉम इंडिया, स्टार्टेड समवेयर इन वेस्ट एंड इट केम टू इंडिया, एंड मोस्ट सैड पार्ट इज उधर जो हरामखोर लोग इन्वेंशन कर रहे हैं ना वो इंडियन है, उधर जो उस कंट्री में जो साइंस लैब में काम करते हैं, फार्मास्यूटिकल्स का इन्वेंशन करते हैं, पेटेंट बनाते हैं, उस फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोग इंडियन हैं, और उसमें भी साउथ इंडियन लोग ज्यादा है, बिकॉज दे आर गुड इन साइंस, और जैसे उनको पता चलता है कि दे आर गुड इन साइंस दे डोंट स्टे इन इंडिया, बिकॉज इन इंडिया रिसर्च को अप्रिशिएट नहीं किया जाता था, इंडिया में इन्वेंशन के लिए पैसा नहीं होता था, पैसा तो वो लोग लगाते, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे करोड़ों का बजट होता है वो कंट्री का, हमारे कंट्री को रिसर्च एंड, हम बोलते जो हमें पता है ना वही पहले ढंग से करके दिखाओ, इन्वेंशन रहने दो, ये इंडियन मेंटालिटी है, जो पता है वो अच्छे से नहीं कर पा रहे हो तुम लोग नया क्या करोगे। हाँ, एक अभी वेसल का लोन उन्होंने विक्रांत करके कोई तो फिर से मिलिट्री को दिया, 12-15 साल लगे उनको एक बोट बनाने के लिए, इतना टाइम एक वेसल बनाने के लिए, किस टाइप के इंजीनियर है तुम्हारे पास, अच्छे इंजीनियर कहाँ है,
रशिया के पास है, रशिया ने राफेल दे दिया, हम लोगों को प्लेन दे दिया। आई एम वेरी मच श्योर कि वहाँ पे भी उस डिवीजन में जहाँ जिसमें जहाँ पे राफेल इन्वेंट हुआ है 30-40% तो इंडियन होंगे वहाँ पे। क्या कर सकते, दिस इज कॉल्ड ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन होता है इंडिया का, इंडिया का बेस्ट ब्रेन जो होता है ना उसको इंडिया में काम ही नहीं करना है, उसको इंडिया के बाहर काम करना है। एंड देन वॉट वी शुड डू नाउ एज अ यूथ, वी शुड स्टे बैक लाइक मी, आई केम टू विलेज। गांव में क्यों आए हम लोग, क्योंकि हम लोग यहां से बनाएंगे। ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अपने बिना नहीं बनेगा, तुम्हारे माँ बाप नहीं बना सकते, तुम्हारे माँ बाप को जाके लेक्चर नहीं दे सकता सुनो ना फैक्ट्री चालू करते हैं, वो बोलेंगे अभी मैं रिटायर होने के टाइम पे आ गया, अभी मेरा दिमाग मत खराब कर। अभी तुम लोग यू तो 20s में हो, तुम्हारी पास पूरी जिंदगी पड़ी है, तो यू शुड नो ऑल दिस थिंग। तो आपको टैक्स अगर पढ़ना है ना तो आपको इकोनॉमी पता होना चाहिए, पॉलिटिक्स पता होना चाहिए, आपको एक हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि हिस्ट्री में क्या हुआ है, ठीक है ना, तो आप अप्रिशिएट करोगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिया को टैक्स हेवन बनाना डिसाइड किया। क्या कौन सा हेवन बनाना डिसाइड किया? टैक्स हेवन मतलब कौन सा देश सर, जिस देश में लो टैक्स या नो टैक्स रखता है, कौन सा टैक्स लगता है, लो टैक्स या नो टैक्स। अभी नो टैक्स वाला तो हेवन हम नहीं बना सकते, देखो इतना तो हम लोग है नहीं, लेकिन हमने बोला एशिया में सबसे लोवेस्ट टैक्स रेट हम देंगे आपको, एशिया में, पूरे एशिया में, एशिया तो समझता है ना, हाँ, तो हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है उसमें का सबसे लोवेस्ट टैक्स रेट हम आपको ऑफर करेंगे अगर आप इंडिया में लगाओगे मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट। क्या लगाओगे आप? और क्योंकि ये रेट जो है ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, ये अनलिमिटेड नहीं। हमारे नॉर्मल डोमेस्टिक कंपनी का रेट कितना है 25% और 30%, और फॉरेन कंपनी का रेट कितना है 40%। ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, ये 15% परमानेंट ऑफर नहीं है, क्योंकि जल्दी से जल्दी हमको इंडिया में डेवलपमेंट चाहिए, तो हमने लिमिटेड पीरियड रखा क्योंकि लोग पैनिक होकर जल्दी चालू हो जाए, जल्दी अगर उनको बेनिफिट चाहिए तो जल्दी चालू करें। हमने सनराइज क्लॉज रखा 1 अक्टूबर 2019 और हमने सनसेट क्लॉज रखा है 31 मार्च 2023, मतलब आने वाले मार्च के पहले आपको कंपनी चालू करनी पड़ेगी इंडिया में अगर आपको इस सेक्शन का बेनिफिट लेना है तो। तो अगर तुम सोचते हो कि सीए बनने के बाद कंपनी चालू करेंगे तो मैं बताऊं तुमको कि अभी कंपनी चालू करके रख दो, मैन्युफैक्चरिंग बाद में चालू कर देना, मतलब एक्चुअल ऑपरेशन बाद में चालू कर देना, और कोई कोई टेंशन नहीं है। अगर आपके लाइफ में कोई क्लाइंट लोग हैं उनको बताना है तो आप बताओ कि 31 मार्च के पहले सर आपको चालू करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली बीच में के 2 साल जो कोविड में हमारे वेस्ट हो गए, तो आई डू एक्सपेक्ट कि गवर्नमेंट इस डेट को थोड़ा आगे बढ़ाए, 2025 तक मुभा दे दे, तो शायद अपना भी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो अपने को फॉर्म लाना है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, वो अपन भी अपना भी कंपनी लॉन्च करें। लेकिन वो डेट थोड़ा एक्सटेंड होगा, तो अगर डेट एक्सटेंड नहीं होने वाला है तो हमें भी घाई करके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अपना छोटा सा इधर किधर, तो गांव में छोटे से MIDC में जगह देख के अपने को भी जल्दी से जल्दी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना पड़ेगा 30 के पहले, अगर हमको कौन से रेट का बेनिफिट लेना है तो 15% का। और 15% क्या है यार, नॉर्मल कंपनी का रेट कितना है 30%, और इधर कितना है 15%, आधा रेट है ना, नॉर्मल से आधा रेट है, ठीक है ना। तो टैक्स बचाने के लिए लोग देश डेवलप करके रख देंगे, देख लेना, क्योंकि उनको पता ना गवर्नमेंट को, इंडियन लोगों को देश के बारे में मत बताओ, उनको बोलो कि टैक्स बचाना है, अच्छा कैसे, कंपनी इसके पहले चालू करके। अब लोग टैक्स बचाने के चक्कर में देश डेवलप करके छोड़ देंगे, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे प्रोविजन उन्होंने बनाए। सर इसके अलावा इन्होंने बोला कि और भी कोई डोमेस्टिक कंपनी है जिसने जो यहाँ पे क्वालिफाई नहीं होती, जैसे सर्विस सेक्टर कंपनी, जैसे अपना क्लासेस है एलीट गुरुकुल है, तो हम यहाँ पे क्वालिफाई नहीं होते, हम 15% में क्वालिफाई नहीं होते, लेकिन हमने भी तो कुछ अच्छा बिजनेस करना है, हमने भी कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला एक काम करो तुमको 22% का रेट देंगे, लेकिन आपको कुछ डिडक्शंस होते हैं PGBP में, वो आपको ड्रॉप करने पड़ेंगे, एडिशनल डिप्रिसिएशन वगैरह ऐसा कुछ होता है, 100% का डिडक्शन, एक्स्ट्रा डिडक्शन जो होते हैं वो आपको ड्रॉप करने पड़ेंगे, तो आपको हम रेट कितना लगाएंगे 22%। तो ये ठीक है ना, 25 से थोड़ा कम ही है, राइट, नॉर्मल रेट कितना है 25, और यहाँ पे रेट कितना है 22, लेकिन ये 15 और ये 22 जो है ना, इसको सरचार्ज से बढ़ाया जाता है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 10% से सरचार्ज ऐड होता है और 4% का सेस ऐड होता है, तो अगर मैं 15% में 10% जोड़ देता हूँ, 15 का + 10% तो आता है 16.5, आया कि आपको 16.5, 15 + 10 25 मत बोलो, मैं मैथ्स नहीं पढ़ा रहा इधर, 15 का 10% ऐड करने बोला मैंने, तो 16.5 आता है प्लस उसका 4%, 16.5 का 4%, तो एक्चुअली यहाँ पे टैक्स रेट जो होता है वो 17.16% होता है रियल टैक्स रेट, और ये 22% वाला है वो 22 ओरिजिनल टैक्स रेट है, मैंडेटरी सरचार्ज है यहाँ पे 10% का,
तो वो 24.2 होता है, और उसमें अगर आप 4% जोड़ते हो तो ये यहाँ का इफेक्टिव रेट आता है 25.168%, 25.168%। तो अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग की कंडीशन सेटिस्फाई की तो आपको 115 BA/B का रेट लगेगा 15%, और अगर आपने यहाँ के कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किए तो आपको ये वाला रेट लगेगा 22% प्लस 10% प्लस 4%। और अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, याद है क्या, कोऑपरेटिव सोसाइटी अप टू 10,000 10%, 10,000 टू 20,000 20% एंड अबाउ 20,000 30%। अगर आपको पता है कि आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी 30,000-20,000 के ऊपर कमाने वाली है तो 30% पर टैक्स होगा। अगर आप उसकी जान बचाना चाहते हो तो उसको 115 BA/D में डाल दो, कम से कम वो इफेक्टिव टैक्स कितना भरेगी, 22% प्लस 10% प्लस 4%, मतलब वही 25.168%। 30% से तो भाई 5% तो कम से कम कम है, हेलो, क्योंकि वो 30-30 नहीं है ना, उसके ऊपर बाद में सरचार्ज ऐड होगा, सेस ऐड होगा, तो 30 के ऊपर जाता है एक्चुअली। तो 5-6% का तो गैप है अगर इस सेक्शन में जाओगे तो। इन सेक्शंस में जाने के लिए आपको कुछ फॉर्म भरने होते हैं, इनकम टैक्स के फॉर्म 10IE वगैरह, वो फॉर्म भरोगे तो ही आपको वो सेक्शन का बेनिफिट मिलता है। मतलब ये ऑप्शनल है ना, ऑप्शन है तो आपको एक्सरसाइज करना पड़ता है, आपको इनकम टैक्स को फॉर्म भर के बताना पड़ता है कि हमको ये ऑप्शन चाहिए। तो आप अभी जब सितंबर के पहले रिटर्न भरना चालू करोगे तो आप देखना बहुत सारे कंपनीज के लिए ये फॉर्म भरेंगे, और हमारे सारे क्लाइंट्स, हमारी सारी कंपनीज, मैं आपको अभी से बता देता हूं, हमको या तो उनको 115 BA/A में रखना है 22% में, और मैन्युफैक्चरिंग एलिजिबल वाली कंपनी रहेगी तो हमको उनको 115 BA/B में रखना है। हमारे पास एक भी ऐसी कंपनी नहीं होनी चाहिए जो इन दोनों में नहीं जाती है, प्लीज अंडरस्टैंड करो आप, क्योंकि ये बेनिफिशियल प्रोविजंस हैं। ओके, आगे चलता हूं। सर ये तो कंपनीज वगैरह को आपने दे दिया, लेकिन आपका सिलेबस तो कंपनी के लिए बना नहीं है, आपका सिलेबस तो किसके लिए बना है, इंडिविजुअल्स का। तो सर इंडिविजुअल्स के लिए गवर्नमेंट ने ऐसा कोई टैक्स का कंसेशन लाया क्या? हाँ लाया, उस सिस्टम को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजिम। मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करता हूँ, ये लेक्चर इधर कट करता हूँ। ओके।